हाय दोस्तों, मैं चंदन हूँ, आपका दोस्त। आज ये मेरा पहला वीडियो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 को लेके। चलिए देखते हैं क्या सच में शिक्षा का पुनरुत्थान हुआ है या कुछ और हुआ है। जैसा कि मैंने हेडिंग डाला है, एजुकेशन रिवैम्प्ड, शिक्षा का पुनरुत्थान या फिर कुछ और। देखेंगे आज क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 है, क्या इसमें नया है हम लोगों के लिए। जैसा कि बोला जा रहा है बड़े बड़े न्यूज पेपरों के द्वारा कि ये बीजेपी का 2014 का मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो है, जिनमें उन्होंने वादा किया था कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करेंगे। और उन्हीं का एक नमूना जो पेश किया गया 24 जुलाई को। ओके, यदि था तो अच्छी बात है, बीजेपी अपने बात पर खड़ी उतर रही है। यदि नहीं था तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों को ये 34 साल के बाद एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजिंग देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज तक हम लोग सिर्फ बोला करते थे कि पुराने ढरल्ले से हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो किसी काम का है नहीं। कहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रेशन यूज होता है, जो हम लोगों को 11th 12th में पढ़ाया जाता था, 11th क्लास में पढ़ाया जाता था, डिफ्रेंसिएशन कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर a+b का होल स्क्वायर यूज होता है, ये सब हम लोग बोलते हैं फालतू में पढ़ाया जा रहा है, जो कि हमारे लाइफ में यूज ही नहीं है ज्यादातर। और ज्यादातर बच्चे इसको पढ़कर कुछ कर भी नहीं पाते हैं और कहीं यूज नहीं होता है। जब क्लास से बाहर निकलते हैं तो रियल लाइफ में इनका कोई भी यूज नहीं है, जो कि हम लोगों को 34 साल पहले डाला गया था और आज तक हम लोग ढूंढते हुए आ रहे थे। और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनको चेंज करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं, जो बताया जा रहा है कि इनमें कुछ खामियां हैं, क्या क्या खामियां हैं वो देख लेते हैं। पहले हमारे नई एजुकेशन पॉलिसी 2019 में पहला जो बताया जा रहा है इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, ये कि गवर्नमेंट जो है, जिन्होंने ये पॉलिसी लाया, वो खुद सेटिस्फाई नहीं है, वो खुद श्योर नहीं है कि इस पॉलिसी में क्या उनको देना है। क्लियर, हम लोग अच्छाई की भी बात करेंगे, पहले बुराई देख लेते हैं, उनके बाद अच्छाई पर आएंगे ताकि आपको भी मजा आए। ओके, पहला मैंने क्या बताया, इनकी बुराई क्या की जाती है, गवर्नमेंट जो है खुद श्योर नहीं है कि पॉलिसी लेकर आए तो इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, और दूसरी बात क्या बोला जाता है इनके बारे में, ये जो दूसरी पॉलिसी जो है, न्यू पॉलिसी जो पास किया गया एजुकेशन पॉलिसी, इनको गवर्नमेंट ने खुद एक बदमाश बच्चे के जैसा, जो क्लास में बहुत बदमाश होते हैं वो क्या करते हैं, खुद मॉनिटर बन जाते हैं, खुद से रूल बना के, और जो छोटे होते हैं या फिर जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको दबाने की कोशिश करता है। सेम उसी प्रकार भी इन पॉलिसी के बारे में भी बताया जा रहा है गवर्नमेंट को लेकर, कि गवर्नमेंट ने क्या किया, बिना डिबेट और डिस्कशंस के ही इस पॉलिसी को क्या कर दिया, पास कर दिया। और इनको डिस्कशंस के लिए पार्लियामेंट में भी नहीं रखा गया। और तीसरी बात जो इस पॉलिसी के बारे में बोला जा रहा है क्या, कि जो पढ़ाई की टेन्योर थी, जो एजुकेशन की टेन्योर थी, उनको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। जैसे बच्चे 9th पढ़ते थे, 10th पढ़ते थे और 10th में कड़ी मेहनत करते थे और बोलते थे कि 10th का परीक्षा पास करना है, इनका मार्क्स हमारे साथ रहने वाला है, फिर उनके बाद एक साल मस्ती किया, फिर 12th आया और 12th में भी जोर से पढ़ाई करना है और अच्छा मार्क्स लेकर आना है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, और 10th और 12th का बोझ ही समाप्त कर दिया, बोला कि ना रहेगी बांस अब ना बजेगी बांसुरी। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने कौन सा पॉलिसी लेकर आ गया, 5+3+3+4। इसका मतलब है अब बच्चे जो है, 3 का मतलब है 9, 10, 11, 12, यानी 4 साल जो है, अब वो 4 साल क्या करेंगे बच्चे, जो पहले कॉलेज में पढ़ाया जाता था, अब वो एजुकेशन उनको क्लास 9 से ही देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। बोल सकते हैं प्री इंजीनियरिंग का नॉलेज दिया जाएगा उनको, प्री मेडिकल्स का नॉलेज दिया जाएगा, मेडिकल्स का नॉलेज दिया जाएगा, ये सारे नॉलेज उनको दिया जाएगा। क्लियर है, और जो पहले हम लोग फालतू नहीं बोले, यानी कि जो भी चीज पढ़ते थे उनका खात्मा हो चुका है लगभग में। ओके, और तीसरा क्या बोला जा रहा है इनके बारे में, जो 12 डिग्री था, जैसे आदमी पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद, एमए करने के बाद या फिर एमएससी करने के बाद, यदि उनको पीएचडी करना रहता था तो उनसे पहले उनको एमफिल करना पड़ता था। क्लियर है, लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या किया, ये एमफिल को ही हटा दिया है। बोल सकते हैं कि एजुकेशन का एक और लेवल को कम कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि अच्छी बात है। बहुत सारे हम लोग को पढ़ते पढ़ते ही 27 ईयर लग जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से गवर्नमेंट जब कम करेगी तो वो ज़्यादा बेटर है और माहौल भी अच्छा बनेगा, जो हमारे जरूरत की चीज़ें हैं वो हम लोग सिर्फ पढ़ पाएंगे, नहीं तो फालतू की चीजें बहुत पढ़ाया जाता था पहले, जो कि यूज भी नहीं होता था लाइफ में। ओके गाइस, ये सारी बातें बोली जा रही है, इनके बारे में बुराइयां,
ये मुझे बुराई कम दिख रही है और अच्छाई ज्यादा इनमें दिख रही है, लेकिन बुराई है तो बुराई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। क्लास 11 और 12 की जो है जो एजुकेशन पहले दी जाती थी उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और अब क्लास 11 और 12 की जगह पे क्लास 9 से ही उनको कॉलेज की नॉलेज दी जाएगी। क्लियर है। और पहले जो बच्चे 11 12th में जाकर डिसाइड 10th के एग्जाम देने के बाद डिसाइड करते थे कि मैथ्स लेना है, साइंस लेना है, बायो रखना है, क्या रखना है, हिस्ट्री रखना है, आर्ट्स रखना है, इनके बेसिस पे उनका लाइफ डिसाइड किया जाता था। ये बच्चा यदि आर्ट्स रख लिया तो सिंपल सी बात है उनके आसपास वाले जो जो भी हैं वो क्या बोलेंगे, बच्चे पढ़ने में गए हैं मशगूल है, ज्यादा मार्क्स नहीं आया था, चलो क्या रख लो, आर्ट्स रख लो। लेकिन अब ऐसा कंडीशन नहीं बनने वाला है। अब जो भी बच्चे हैं उनको जो भी सब्जेक्ट चाहिए, यदि मान लीजिए आर्ट्स में भी उनको इंटरेस्ट है और बायो में भी इंटरेस्ट है, तो वो बायो भी रखेगा और आर्ट्स भी रखेगा, दोनों में मजे लेंगे। क्लियर है। तो एक टाइप से ये बोल सकते हैं अब बच्चा ओवर टैलेंटेड हो सकता है, जिस प्रकार से सुशांत सिंह के बारे में बोला जाता है या फिर अदर एक्टर के बारे में बोला जाता है, उस प्रकार से वो हो जाएंगे आने वाले साल में जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। ओवर टैलेंटेड इसका मतलब जो बंदा डॉक्टर है, जो डॉक्टर की पढ़ाई करी वो अकाउंटेंट भी बन सकता है। ओके, यदि डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ वो इंजीनियरिंग भी कर सकता है, इंजीनियरिंग का भी नॉलेज उनको हो सकता है। क्लियर है। बोल सकते हैं पहले एक बच्चा यदि डॉक्टर बन गया तो उनको इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम होता था, यदि एक बंदा इंजीनियर बन गया तो उनको डॉक्टर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं मालूम होता था, उनका एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नहीं मालूम होता था, लेकिन अब क्या होगा, मल्टी स्पेशलिस्ट बंदा होगा, उनको हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होगी। ओके, आगे देखते हैं, अगला बेनिफिट्स देखते हैं अब क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 का। पहला बात इसमें ये बोला गया, मैंने वो पहले ही बता दिया तुम लोगों को, आप लोगों को, कि अब जो है कोई भी सेपरेशन नहीं होगा कोई भी सब्जेक्ट का। अब क्या होंगे, सारे सब्जेक्ट एक साथ बच्चे ले सकते हैं, साथ में साइंस भी रखेंगे, साथ में आर्ट्स भी रखेंगे, यदि इकोनॉमिक्स पढ़ने का मन हुआ तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ने का मन हुआ तो बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट उनको पढ़ने का मन करेगा वो सब्जेक्ट वो रख सकते हैं। क्लियर है। और अब जो बच्चे हैं क्लास 8 से पहले, बोल सकते हैं क्लास 5th से पहले, बच्चे को ज्यादा पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, उनको जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम्स पे ध्यान दिलवाया जाएगा, खेलो, ज्यादा बोझ डाल के पढ़ो मत। और क्लास 6 के बाद जो बच्चे हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, एकेडमिक स्ट्रीम्स होगा, जिस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है कि बच्चे को क्या दिया जाता है 6 महीने का, अभी का मैं फिलहाल का बात कर रहा हूँ, 6 महीने का क्या दिया जाता है उनको ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है कि जॉब किसी कंपनी में इंटर्नशिप करो, जॉब करो। तो अब लेकिन वो इंटर्नशिप और जॉब कहाँ पे बच्चे करेंगे, जब क्लास 6 में जाएंगे उस टाइम पे वो करना कर सकते हैं। यदि उनको कारपेंट्री अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो वो किसी शॉप में जाके कारपेंट्री कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है। यदि गिटार बजाना अच्छा लगता है तो वो म्यूजिशियन के पास जा सकता है, वहाँ पे सीख सकता है, वो बजा सकता है और इंटर्नशिप में काम कर सकता है। क्लियर है। वो कितने 6 साल स्टैंडर्ड 6 से ही कर सकेंगे, जबकि पहले ऐसा नहीं किया जाता था, बस पढ़ो 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 और आउटर काम कुछ भी नहीं करने को मिलता था। लेकिन अब जो है बच्चे क्या है, क्लास 6 से वो पैसे भी कमा सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं बाहर। क्लियर। एक अच्छा बूस्ट मिलेगा हमारे इंडियन इकोनॉमी को, बोल सकते हैं, क्योंकि जब आदमी काम करेंगे पैसे आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारे देश में खुशहाली आएगी। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है इसका। अब जो बच्चे हैं मैंने वो शुरू में ही बोल दिया, अब कोई भी बच्चे होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ओवर टैलेंटेड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल से देना चाहता हूँ, जैसे पहले एक मेडिकल का दुकान हुआ करता था, अब वो मेडिकल का दुकान क्या हो जाएगा, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन जाएगा, क्योंकि अब जो बंदा उसमें मेडिकल में दवाई बेच रहा था या जो दवाई बेचने के लिए दुकान खोला था, अब वो क्या करेगा, ऑपरेशन भी कर सकता है, क्योंकि उसको इस प्रकार से एजुकेशन दिया जाएगा कि वो क्या कर सकता है, हर चीज में एक्सपीरियंस कर सकता है, वो मेडिकल्स का भी पढ़ाई कर सकता है या फिर जो अदर नॉन बेनिफिट्स है जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है। यदि मान लीजिए साथ में उनको इंजीनियरिंग भी करना था या फिर इंजीनियरिंग का भी कोई सब्जेक्ट उनको ऑटोमेशन के बारे में जानना था, तो वो क्या करता है, मेडिकल के साथ उनको भी कर सकता था। एक बोल सकते हैं एक बंदा जो है अब क्या हो जाएगा, मल्टी टैलेंटेड हो जाएगा, जहाँ की पहले एक बच्चा वो क्या किया जाता था, बस रटाया जाता था और ज्यादातर फोकस कहीं पर दिया जाता था, रटने पर फोकस दिया जाता था और रटने के बेसिस पे ही उनको क्या मार्क्स मिलता था, जो जितना अच्छा रट सकता है उनको अच्छा मार्क्स मिलेगा, जो जितना नहीं रट सकता है उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस पॉलिसी को क्या कर रहा है, धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। ओके, चौथा देखिए, चौथा क्या है, स्टूडेंट के पास ऑप्शंस होगा कोई भी सब्जेक्ट चूज करने का, वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ये मैंने पहले बता दिया, उनका स्ट्रीम्स डिफरेंट डिफरेंट रख सकते हैं, बायो रखेगा, साइंस रखेगा, जो भी उनको रखने का मन है, या फिर मैथ्स रखे, मैथ्स के साथ बायोलॉजी रख सकता है, जूलॉजी रख सकता है, इकोनॉमिक्स रख सकता है, म्यूजिक रख सकता है,
डिजाइनिंग रख सकता है, जो भी सब्जेक्ट उनको चाहे अंदर से पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। अब पहले के जैसे बच्चे ब्लेम नहीं कर सकते कि नहीं मेरे पापा बोलते थे कि तुम डॉक्टर ही बनना है तब डॉक्टर ही बनो, क्योंकि अब गवर्नमेंट उनको ऑप्शन दिया, यदि तुम डॉक्टर, तुम्हारे पापा बोल रहे डॉक्टर बनने तो तुम डॉक्टर ही बनो, साथ में तुम जो करना चाहते हो वो भी बनो, वो भी करो। तो बोल सकते हैं मल्टी टैलेंटेड बच्चे को बनाने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। ओके और एक बात और, गवर्नमेंट ने इसने क्या किया है, हमारा जो पहले जो जीडीपी 2.4 के आसपास, 2.45 के आसपास खर्च की जाती थी एजुकेशन सिस्टम पे, तो लेकिन अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्या बोली कि इन पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्यादा जीडीपी खर्च करने वाले हैं, ज्यादा पैसा एजुकेशन सिस्टम पे देने वाले हैं, जिनके कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या हो सके, बेटर से बेटर हो सके। तो कितना परसेंट तक बोलिए खर्च करने के लिए, गवर्नमेंट ने बोला 6% तक का जीडीपी क्या किया जाएगा, एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। ओके इससे पहले भी गवर्नमेंट बहुत सारी बातें बोलती थी, हम लोग देखे ही थे कि बहुत सारा हॉस्पिटल है इंडिया का तो छोड़ दीजिए, बाहर बाहर देश के भी, लेकिन इस COVID-19 ने सबकी पोर्ट खोल के रख दिए। यदि गवर्नमेंट्स जितनी बातें बोली हैं उस पर चलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इनका भी एजुकेशन सिस्टम भी हमारा कहीं हॉस्पिटल के जैसा हाल ना हो जाए, जिस प्रकार से अभी COVID-19 ने सबकी पोल खोल के रखी, एक भी हॉस्पिटल अच्छी नहीं, तो वैसा हाल ना हो हम लोग आशा करते हैं। और गवर्नमेंट इस पॉलिसी को जल्द से जल्द इम्प्लाई करें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हम लोग भी अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजिंग देखना चाहते हैं। ओके गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस, फॉर लिसनिंग मी नोट्स क्लासेस, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस टू नो करेंट अफेयर्स नॉलेजेस। ओके थैंक यू।